हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में एमपीपी सिलेक्शन बोर्ड ने टीचरों के लिए कुछ पोस्टें निकाली है जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट, लास्ट डेट, ठीक है, और पोस्ट कितनी निकली है, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट का जो आपको यूआरएल है, लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन की सहायता से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी बनानी है प्रोफाइल। एमपीपी सिलेक्शन बोर्ड के अनुसार जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको बनानी होगी प्रोफाइल। उसके लिए आपको बीच उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करके पहले नंबर पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपने पहले प्रोफाइल बनाई है या नहीं। अगर आपने बना ली है तो येस करिए, नहीं बनाई है तो नहीं करके आप आगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है। मोबाइल नंबर ईमेल डालने के बाद आपको कैप्चा डालने के बाद ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करना है, ठीक है। आप ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। ओटीपी डाल दिया, सत्यापन कर दिया, पंजीकरण करने पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल दिया है उस पे आपको जाएगा पंजीकरण संख्या, आपको वो पंजीकरण संख्या यहाँ पे डालना है। आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी आपके मोबाइल नंबर पे और या ईमेल पे आया होगा, तो उसको यहाँ वहाँ से लेना है, कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको नीचे कैप्चा है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास ये वेबसाइट आएगी जहाँ से आपके साथ आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप ई के वाई सी ओ टी पे क्लिक करके नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड देना है आपने आपको, ठीक है। आधार कार्ड देने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर देना है, आधार कार्ड नंबर दे दिया आपने, यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है और फिर जो भी टर्म एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करने के बाद आपको ओ टी पी जनरेट करना है। आधार कार्ड से लिंक नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो हम फटाफट से एग्री कर लेते हैं, ठीक है, ओटीपी को फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको गेट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली गेट डिटेल्स करना है, ठीक है। फिर आपके पास ये कुछ फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पढ़ के अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। तो फटाफट हम सारी इन्फॉर्मेशन को भर लेते हैं, ठीक है। आपसे अगर आपका कोई उपनाम है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप ना करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें भरने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप घोषणा पत्र की जो भी है उसको आपको एग्री कर लेना है और आपको पंजीकृत करने पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पास ये पोर्टल खुलाएगा जहाँ पे आपको प्रोफाइल बनानी है। उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा टेम्पलेट होता है, मैं आपको उस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ जहाँ से आप ये टेम्पलेट फोटो सहित आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रिंट आउट निकलवानी जरूरत है, सिंपली आपको आना है सरकारी रिजल्ट टूल्स की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको छठे नंबर पे दिख रहा होगा एम पी पी ई बी टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और फोटो सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे फोटो, यहाँ सिग्नेचर और यहाँ डिक्लेरेशन, जो उस फॉर्मेट में है वही डिक्लेरेशन लिख के आपको हैंड रिटन में यहाँ पे लिख के फोटो खींच के सबमिट कर देना और जनरेट इमेज पे क्लिक कर देना है। फिर जो आपके पास पीडीएफ फाइल होगी, ठीक है, उसको जेपीजी में, जो भी जेपीजी आई होगी उसको चूज फाइल यहाँ पे करके सबमिट कर देना है, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपसे आप मांगा जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ आप 8वीं का, 10वीं का या 12वीं का कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, 150 KB से कम में होना चाहिए। कुछ साइजेस है उसको साइजेस को देख के अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स जो भी आपने दी है उसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास ये पोर्टल आया है, ठीक है। इसमें आपकी जो भी डिटेल्स भरी है वो सब दिखाया गया है, आपको इसको वेरीफाई कर लेना है और नीचे जाके इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट प्रोफाइल नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना, चेक करने के बाद आप सिंपली प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर लेना है। सेव एज पीडीएफ करना चाहो तो पीडीएफ, वरना प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप। सेव कर लिया, ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहे इस पीडीएफ का वो नाम दे के इसको सिंपली सेव कर लो। सेव करने के बाद आप, मैं बताता हूँ उस वेबसाइट से जिस वेबसाइट से आप ये फॉर्म आगे भर सकते हैं। यहाँ से आपने प्रोफाइल बना लिया, आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो सिंपली दोबारा उसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको उपलब्ध सेवाएं वाले ऑप्शन पे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एग्री कर लेना है जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है और आगे बढ़ने पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे
आपको पंजीकरण संख्या डालनी है, पंजीकरण संख्या जो आपके पास पहले थी वही डालनी है, और यहाँ पे जन्मतिथि जो आपकी है वो डालना है, कैप्चा डाल के आगे करना है, ठीक है। इससे आगे का फॉर्म मैं नहीं भर सकता, तो मैं आपको सिंपली आगे के डिटेल्स बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, वो भर देना है। आपसे तीन कुछ सेंटर पूछे जाएंगे आसपास के, तो आपको तीन को इसे सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको डेबिट वाले ऑप्शन पे आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, आपको ईमेल पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आपको वेट करना है एडमिट कार्ड का, फिर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी तरह जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।